Hello friends, welcome back again to your channel Rajasthan Fitness. So friends, in this video I will be explaining कि आप पुशअप्स कैसे घर पर प्रॉपर लगाएं. मैक्सिमम जो बिगनर्स रहते हैं, जो घर पर वर्कआउट करते हैं, वो पुशअप्स सही तरीके से नहीं लगाते, जिसके कारण उनका बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होता, मसल्स बिल्ड नहीं हो पाता. सो इस वीडियो में मैं अपने साथ अपने छोटे भाई को रखा हूँ, जिसके हेल्प से मैं आपको समझाऊँगा कि आपको पुशअप्स घर पर ऐसे लगाना है. सो वीडियो पर बने रहना एंड लास्ट तक देखना जरूरी है. यदि आप लास्ट तक नहीं देखते हो तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा. सो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है. एंड प्लीज़ यार, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर करना. उससे क्या होगा, आपको मेरे फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, पुशअप्स आप कहीं भी कर सकते हो. सो मेरे साथ मेरे भाई है, जो कि आपको प्रॉपर टेक्निक बताएगा. स्पेशली मैं उसको बताऊँगा कि तुमको इस तरीके से करना है. ये बिगिनर है, घर पे पुशअप्स करता है, घर पर ही ट्रेनिंग करता है, जिम में नहीं जाता है. सो आप देख सकते हैं कि बॉडी को उसने कितना अच्छा डेवलप किया घर ही पे. तो आप भी कर सकते हो. सो मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग घर में देखता हूँ कि पुशअप्स लगाते हैं, रॉन्ग है, टेक्निक सही नहीं है, जिससे कि आपका मसल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है. तो मसल को डेवलप करने के लिए मैं उस पुशअप्स को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपका मसल टेंशन बढ़ेगा, आपका मसल्स बिल्ड होगा. चलो बिना पुशअप्स को लगाते हैं. तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है, ठीक है. हेड सामने तरफ देखना आपको और स्लोली नीचे ले जाना आपको. स्लोली नीचे आकर होल्ड करना है आपको, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर अप, बस. फिर नीचे आस्ते आस्ते जाना है, अप, फिर स्लोली आस्ते आस्ते नीचे जाइए, होल्ड करिए, अप, फिर आस्ते से जाना है. तो आपको इस तरीके से करना है. इस तरीके से मैक्सिमम आपका 10-12 ही लग पाएगा. और आप जैसे फास्ट लगाते हो, फास्ट लगा के दिखाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लगाना है, आपको थोड़ा पॉज करना है. जब नीचे जाते हो तो आपका बॉडी को पॉज करना है. उससे क्या होगा, आपका मसल का टेंशन बढ़ता है. एंड आपका मसल जितना टेंशन में रहेगा, आपका मसल उतना अच्छा ग्रोथ होगा. एंड पुशअप्स आपके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. आपको बॉडी को वाइड बनाता है, आपका शोल्डर वाइड होता है, आपका चेस्ट का अच्छा ग्रोथ होता है, आपका एब्स का वर्कआउट हो जाता है, आपका बॉडी का स्टेबिलिटी बढ़ता है. कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है. बिना एक लाइव एग्जाम्पल है, जो जिसने घर पर अपना फिजिक तैयार किया है, लीन फिजिक है, अच्छा है, तो आप घर पर अच्छा दिख सकते हो. सो यहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेना है. फ्रेंड्स, यदि आप पुशअप्स खराब टेक्निक से लगाते हो, आपका फॉर्म सही नहीं है, देन आपका बॉडी का पुशअप खराब हो सकता है. आपका बॉडी अनइवन हो सकता है, एक चेस्ट बड़ा, एक चेस्ट छोटा, एक शोल्डर बड़ा, एक शोल्डर छोटा, एक तरफ झुक जाएगा, तो इस तरीके हो सकता है. सो पुशअप्स आपको सही तरीके से लगाना है, बिकॉज पुशअप्स एक ऐसा वर्कआउट है जो हर कोई लगाता है, चाहे वो जिम जाता हो, चाहे वो जिम नहीं जाता. बिकॉज जो भी जिसका मन होता है, कि जिसका मन है कि मैं बॉडी बनाऊंगा, जो सपना करता है मैं एक अच्छा फिजिक डेवलप करूंगा, तो पुशअप्स हर कोई लगाता है. तो पुशअप सही टेक्निक से लगाना बहुत जरूरी है. तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो इंक्लाइंड पुशअप्स. लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्लैट पुशअप्स लगाया, तो फ्लैट पुशअप्स लगाने के लिए आपको 3 सेट लगाना है. और कितना रेपिटेशन लगाना है, मैक्सिमम जितना जाए, जब तक आप गिर ना जा रहे हो. अब जब तक ज़मीन पे नहीं गिर जा रहे, तब तक आपको लगाना है. और 3 सेट्स आप 4 सेट 5 सेट्स में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 3 सेट्स लगाना है. तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट इंक्लाइंड पुशअप्स करने वाले हैं. चलो, तो इंक्लाइंड पुशअप्स के लिए आपको शोल्डर, देखिए शोल्डर का जो विड्थ रहेगा, आपका शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लेना है. बस यही एग्जैक्ट पोजिशन रहेगा. सामने तरफ देखना, बस स्लोली आस्ते नीचे जाओ, होल्ड, अप. चलो, होल्ड, अप, बस वहीं तक. चलो पूरा डाउन जाओ, स्क्वीज करो मसल को, अप. तो आप भी बिगिनर है, तो आपको भी इसी तरह की दिक्कत होने वाला है. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लगा लोगे, कि जो बिगिनर होते हैं उतना पावर बॉडी उतना ज़्यादा होता नहीं है. तो आपको, आपके पास जितना भी पावर है, तो आपको कोशिश करना कि सही टेक्निक से लगाएं. और जैसे जैसे आप एडवांस्ड हो गए, जैसे जैसे आपको आप एक्सरसाइज में ज़्यादा पुराना हो जाओगे, तो आपका टेक्निक
बाय टाइम सही हो जाएगा, लेकिन सही से यदि आपका टेक्निक सही रहता है तो आपका बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी आपकी फिजिक अच्छा लगेगा। तो फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है, स्लोली लगाना है। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग बहुत फास्ट लगाते हैं, बहुत फास्ट नहीं, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जल्दी हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लेके स्लोली करना है, ये ज़्यादा जरूरी है। सॉरी फ्रेंड्स, जो पहले का जो एक्सरसाइज था वो डिक्लाइन था, बाय मिस्टेक टंग स्लिप हो गया इसलिए इंक्लाइन निकल गया। तो इसके बाद हम लोग इंक्लाइन पुशअप्स करने वाले हैं। जो आप इस तरह के कोई यदि सरफेस है उसको आप होल्ड करके कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। चलो और थोड़ा पैर पीछे, और थोड़ा चलो डाउन जाओ, बस देख सकते हैं, बस आपका इस तरह से कोई भी सरफेस हो और शोल्डर आपको बस आपका शोल्डर वैसे थोड़ा ज़्यादा लेना है, जो आपको शोल्डर का जो दोनों हैंड का जो डिस्टेंस रहेगा तो आपको उतना लेना है। शाबाश, चलो बहुत बड़े। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करना, मैं आप ही के लिए कंटेंट्स बनाता हूँ, मैंने पीछे बहुत अच्छा से कंटेंट्स बनाया जिसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैंने सोचा कि मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा बिगिनर्स विजिट करते हैं, देखते हैं मेरे वीडियोस को, सो मैंने सोचा कि उनके लिए एक पुशअप्स का वीडियो बनाया जाए, बिकॉज उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अपने भाई का हेल्प लिया जो घर पर ही वर्कआउट करता, कहीं जिम विम नहीं जाता, फिजिक्स से आपको पता चल गया होगा, तो घर पर अच्छा फिजिक्स ने डेवलप किया जितना हो सकता है, इससे और बेटर फिजिक्स ये डेवलप करेगा, बिकॉज इसका अभी उतना ज़्यादा एज नहीं है, टाइम नहीं इसके पास, बिकॉज पढ़ाई करता है, तो घर पर ही थोड़ा बहुत पुशअप्स वुशअप्स लगाता है एंड डाइट पर फोकस करता है। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब सब्सक्राइब करते मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप सोच नहीं सकते हैं, जब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा खुशी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बनाऊं। एंड मेरे छोटे भाई को भी सपोर्ट करना, इसने भी इस वीडियो में आके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।